अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आईटी एंड हिस्ट्री की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। अक्सर लोग फेसबुक सिक्योरिटी के हवाले से अथेंटिकेशन कोड लगा लेते हैं जो कि 6 डिजिट पर मुश्तमिल टेक्स्ट मैसेज की सूरत में मोबाइल पर रिसीव होता है, लेकिन अक्सर अवकात ऐसा होता है कि ये मैसेज आपको रिसीव नहीं होता तो इसके बगैर आप लॉगिन नहीं हो सकते। तो आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आप जब ज़्यादा बार कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो फेसबुक सर्वर पर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अदर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो क्योंकि अभी मैंने इसको ये कोड लगाया है इसलिए नज़र आ रहा है आपको, ये दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा सिर्फ, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड आईडी और दूसरा ऑप्शन है टेक अ फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग अ साइन विद अ हैंड रिटन कोड। तो पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक नहीं करना क्योंकि मैंने इस पर दो बार अपना आईडी कार्ड सेंड किया लेकिन मेरी आईडी नहीं ओपन हो सकी। लेकिन जब तीसरे दिन मैंने इस पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से इसकी मदद से मैंने इनको सेंड किया तो आईडी ओपन होगी, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है फुल नेम, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सिम का जो भी उसकी कंपनी का नाम है वो लिखेंगे, यू फोन का है या जोम, जो भी आपकी सिम है। तीसरा यहाँ पे आप जो इशू होगा यहाँ पे लिस्ट में दिया होगा वहाँ से आप इसमें चेक कर लेंगे। इसमें तीसरा ऑप्शन है आई हैव माई फ़ोन बट आई हैव नॉट रिसीव्ड माई कोड, कि फ़ोन तो है मेरे पास लेकिन मैसेज मुझे रिसीव नहीं हो रहा, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखना चाहें। अब यहाँ पे देखें, ये एक कोड आपको दिखाया जा रहा है 59091, जो भी आपका कोड होगा इसको आप एक ब्लैंक पेज पे लिख कर हाथ में इसको लेकर आप सेल्फी ले लेंगे और ये सेल्फी आप यहाँ से चूज़ फाइल की सूरत में यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप इसको सबमिट करवा देंगे। तो जब मैंने ऐसा किया तो अगले दिन मैंने आईटी ओपन की तो मुझे कोड रिसीव हो गया। तो ये आप इसको ट्राई करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा इस सूरत में।